देखो हमने कल पढ़ी थी वीरे लाई और वीरे मैट्रिक का इंट्रोडक्शन करा। अब मेरे पास एक ऑटोकैड की फाइल बनी हुई है, मैं आपको वो फाइल भी मेल कर दूंगा। उस फाइल को आप है ना अगर एज आप मैथ्स में बनाते हो तो आज तो फायदा ही बन जाएगी, मैथ्स वो भी फाइल बन जाएगी। उसका भी ये प्लान नहीं है मेरे पास, सीधी फाइल है मेरे पास। यहां से इसको एंटिटी रखोगे और ओके करो। ये फाइल डाउनलोड हो गई तो इसको भी तरफ हो ऊपर, ये फाइल इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये फाइल है हमारे पास, ये ऑटोकैड बनी फाइल है पूरी। ये मतलब 2D डिजाइन इसको हटा दीजिए आप, ये भी आप बना सकते हैं। ये बना हुआ इसमें आपको काफी सारी कमांड्स वगैरह इसमें यूज हो जाएगी, जब इसमें हेलिक्स भी हो जाएगी, इसमें भी होता है नेक्स्ट। ये कैड की फाइल है तो इतनी मतलब इससे हार्डनेस दिख रही है, कैड में स्मूथनेस होती नहीं। तो ये मेरे पास कोई फाइल है, पहले तो आपको इसका व्यू सेटअप करना। अब कौन सा आपको रेंडर निकालना है, तो टॉप व्यू में जाओगे आप, पहले इस पूरे ऑब्जेक्ट को ग्रुप बना देते हैं यहां से। अब इस ऑब्जेक्ट को सेंटर में लेके जाते हैं, डब्लू प्रेस कर दीजिए आप, यहां से कोऑर्डिनेट को जेड एक्सिस ऊपर रहने देते हैं, जेड एक्सिस को जीरो नहीं करेंगे। पी प्रेस करो, परस्पेक्टिव ग्रिड लाइन दिख रही है, अगर यू प्रेस करेंगे तो वो तो ऑर्थोग्राफिक हो जाएगा, ऑर्थोग्राफिक अभी बराबर लेवल पर है ठीक है, पर आप पी प्रेस ही रखेंगे। अब मैं टॉप में जाऊंगा, मेरे को कैमरा क्या इधर से व्यू दिखाना है, तिरछा व्यू है। अब यहाँ पर रेंडरिंग बाद में चेंज कर देंगे, हम कैमरा में जाते हैं और कैमरा में लेते हैं वीरे का फिजिकल कैमरा। फिजिकल हाँ मुझे भी फिजिकल लिया था। हाँ उधर भी फिजिकल ही लेते हैं, वीरे वीरे का अंदर वीरे फिजिकल कैमरा है ना, वीरे एक ऑप्शन है उसके अंदर कैमरा है। अब आपको किस कॉर्नर से कट है इसको लेना है, मैं को इधर से दिखा रहा हूँ। ये लगा दिया मैंने एक बार, तो अब आपको कैमरा व्यू देखना है तो ओनली कीबोर्ड से सी दबा दो, बस सी सी प्रेस करो बस। कैमरा व्यू हाँ जीवन अब मैं क्या करता हूँ, ये अब कैमरा अभी पूरा जमीन लेवल पे फ्लोर पे पड़ा है, इस व्यू को तो मैं कुछ चेंज ही नहीं करूँ, ये कैमरा व्यू है। या अभी इसको कैमरा बना दो, सी प्रेस इस पे कर दो, इसको टॉप बना देते हैं और इसको फ्रंट है वैसे भी ये तो, और ये हमारा लेफ्ट है। यहाँ पे कैमरा ये तो कैमरा को ऊपर ले जाना है आपको, मैं यहां से कोऑर्डिनेट जीरो करके भी कर सकता हूं। आपको क्या करना है, जेड एक्सिस ये ऊपर लेना है, इसको कम से कम हम ऊपर ले लेंगे 3600 mm में कितना फुट हो जाता है, 2500 के आसपास हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। 25 फुट कर देता हूं, वो ज्यादा हो गया 25 फुट, पूरा टॉप से हो गया, इतना नहीं देना हमको। अपने
10 फुट पे भी दे सकते हैं, बट मैं देता हूं अभी 6 फुट पे लगा था एक बार। ये तो इसका हो गया। अब इसका टारगेट है ना, ये टारगेट इसको भी ऊपर देना पड़ेगा। ये हमने 6 फुट करा था तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे, हम 8 फुट करते हैं। अभी भी मेरे को कोई पूरा दिख नहीं रहा है कैमरा ऊपर को, और ऊपर नहीं इस टारगेट को। तो टारगेट तो मैं यहां से सेट कर दूंगा, टॉप में हूँ वैसे अभी, ये टारगेट भी है मेरा। इस कैमरा को मैं यहां से पास में लेके जाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि इस टारगेट पॉइंट को और ऊपर ले जाऊंगा। टारगेट पॉइंट कहाँ दिखेगा आपको, यहां से सेलेक्ट ओनली कैम, सॉरी इस पे गए हुए हैं ना, यहाँ पर ओनली कैमरा रखेंगे। यहां से भी कर सकता हूं मैं कैमरा कैमरा, चलो यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा। ये कैमरा पे क्लिक करता हूँ, ओनली कैमरा सेलेक्ट होगा और कोई चीज कैमरा सेलेक्ट नहीं हुई है, कैमरा और कैमरा का ये चीज ऑप्शन। अब इसको आप और ऊपर लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को क्या करो थोड़ा सा पीछे ले जाओ। ठीक है, अब ये व्यू अभी ऐसा दिख रहा है आपको, शिफ्ट एफ दबाओगे ना, शिफ्ट प्लस एफ, इसको बोलते हैं कैमरा फ्रेम। सिर्फ प्लस एफ, हाँ कैमरा फ्रेम बोलते हैं उसको। अब देखो कि इसके अंदर ये वाला ऑप्शन काम है, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, कौन सा ये वाला ऑप्शन इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू? आपको यहाँ पर इतना एरिया दिखाना है, ज्यादा भी नहीं दिखाना, जितना दिखाना कि आपको पास वाला एरिया कवर हो जाए। इससे हम एक्सटीरियर में तो कैमरा वगैरह सेट इजीली कर सकते, कोई इंटीरियर में बहुत दिक्कत आती। तो ये मेरा कैमरा व्यू है, और मैं इसके ये वाला जो है ना, मैं मॉडिफाई में जाऊंगा, टारगेट डिस्टेंस कुछ नहीं कर रहा हूं आपको, एक तो फील्ड ऑफ व्यू ये चीज, इसको जूम इन आप और कर सकते हैं, मतलब ये डिस्टेंस कितना आपको देखना है, ये फील्ड ऑफ व्यू में होगा। यहाँ ये तो हमने जो अभी इससे करी थी फील्ड ऑफ व्यू, ये इससे ही होगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सॉरी 35 करता हूँ, 34, ये ठीक है। पास से एरिया इतना कम दिखाना कि आपको और कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़े, इस पर्टिकुलर व्यू दिख सके। फिर एक्सटीरियर रेंडर, तो इंटीरियर रेंडर में तो मैं शटर स्पीड इसमें कर दूंगा 50, शटर स्पीड ये इंटीरियर में तो कर सकते हैं 50, और एक्सटीरियर में इसमें 200 ही रखूंगा। शटर स्पीड हाँ क्योंकि एक्सटीरियर रेंडर में सनलाइट होती है ना, उसकी बहुत ज्यादा लाइट होगी, बहुत ज्यादा लाइट दिखेगी तो फिर आपको शटर स्पीड ही ज्यादा करनी पड़ेगी। शटर स्पीड लाइट को कंट्रोल करती है, सनलाइट को। एक्सटीरियर वगैरह 200, इंटीरियर में 50। नहीं। अब यहां पर नीचे जाएंगे ना, यहाँ पर आप ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट, इससे क्या होगा कि कभी हम कैमरा वगैरह सेट करते हैं ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर सेट होता नहीं है, आप ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट कर दोगे तो ये अपना इस फोटो को, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट उसको सीधा कर देगा, आपको सही दिखाएगा। अभी तक वही पूरी सही इमेज दिखी हमको, कोई चेंज नहीं है। ठीक अच्छा है, कैमरा पे है अभी तो हम,
यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा इसके नीचे, क्लिपिंग वाला। क्लिपिंग अभी हमको करनी नहीं है, क्लिपिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, अभी क्लिपिंग नहीं करनी हमको, क्लिपिंग जरूरत नहीं है, क्लिपिंग जरूरत पड़ेगी बाद में, इसके को अभी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्लिपिंग नहीं चाहिए हमको। ठीक है, ये होने के बाद अब इस व्यू को ही मेरे को सही करना, बाकी कुछ करना नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, रेंडरिंग के अंदर जाऊंगा, रेंडर सेटअप में जाना पड़ेगा आपको। यहाँ से मेरे जो भी हैं इस व्यू को अभी लॉक कर दूंगा, फिर ये व्यू मेरा रेंडर निकलेगा, और भी इसमें चेंज करने पे। अब मैं यहां से क्या करता हूं, आउटपुट मेरा सही है, HDTV रखना, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, यहां से अभी कुछ नहीं चेंज कर रहा हूं, मैं सिर्फ यही रख रहा हूं, और यहां पर मैं जाऊंगा वीरे, वीरे में आपको टाइप करना है बकेट वाला, और जो ये मैक्सिमम सब डिविजन आ रहे हैं इसको हम 7 कर देंगे। अच्छा हाँ ठीक है, पे मैक्सिमम सब डिवीजन। और जो नॉइज आता है ना, नॉइज नॉइज की वैल्यू यहाँ पर अभी 0.01 आ रही है, यहाँ पर मैं 0.005 इतनी कर दूंगा, कम रखनी है हमको, लघु कोशिश करनी है। ठीक है, इमेज फिल्टर में आपको यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना है, एनवायरमेंट में जाना है तो एनवायरमेंट अभी अपनी यूज करा नहीं है, कलर मैपिंग के अंदर आपको यहाँ पर ये लेनी पड़ेगी एक्सपोनेंशियल, नहीं हाँ ये वाली एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अगर आपको इसको आप चेंज कर सकते हो, वैसे ये डिफॉल्ट की जगह एक्सपर्ट एडवांस कुछ भी कर सकते हो, एडवांस कर दो। ठीक ठीक है, कैमरा में जाओगे, कैमरा में अभी हमको कुछ नहीं चेंज करना है, डिफॉल्ट सेटिंग्स पड़ी है, कोई चेंज नहीं होनी, क्योंकि हम एक्सपोज वगैरह वहां चेंज कर दो, यहाँ सब चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसके अंदर जाते हैं तो ये भी डिफॉल्ट रहने दो, लाइट कैच के अंदर आपको यही रहते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं आपको। यहाँ पर हम ले लेंगे, सॉरी एनेबल ये तो रहने दो, इसको चेंज नहीं करनी। आप नीचे चलोगे तो ये भी अभी चेंज नहीं करना डिफॉल्ट वाला। अब जाएंगे सेटिंग के अंदर, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये वीरो खुद की ब्राउजर होता है, ये अपडेट आया हुआ है तो इसको अपडेट करना पड़ता है, वीरो क्या वीरे क्या आती है ना। टेक्सचर हमने यूज नहीं करा और ये भी नहीं करा। अब जाते हैं रेंडर एलिमेंट, आपको सिर्फ एक यूज करना है, वीरे डी नॉइजर कुछ नाम जाता है। ये क्या करता है कि जो लास्ट इमेज जो निकलती है ना, उसको इमेज को ये फटने नहीं देता है पिक्सल, एक ही यूज होता है वीरे डी नॉइजर। अब ये सारी सेटिंग्स हमने एक बार में चेंज कर दी, अब मैं इसका रेंडर निकालता हूं तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि लाइट इफेक्ट भी नहीं लगा हुआ है, इज अ ब्लैक आए। ठीक हाँ है, वो कुछ नहीं आएगा तो इसको बंद कर देता हूं, फिर बार होगा स्टार्ट। देखो मैं यहां पे जाता हूं इस फील्ड पे, फील्ड ऑफ व्यू पे राइट क्लिक करता हूं, यहां पे लेआउट में जाऊंगा, और मेरे को सिर्फ 3 व्यू चाहिए होंगे, एक व्यू बड़ा चाहिए, बाकी दो छोटे चाहिए।
यार एक भी ऊपर वाला बड़ा कर सकते हैं मेरे को एक भी ये चीज, ये वाला भी मेरा कैमरा भी होना चाहिए, इसी प्रेस कर इसको तो मैं चेंज करूंगा नहीं, लेकिन मेरा व्यू ये रहना चाहिए, बाकी वाला मैं अब जो भी चेंज करूंगा यहाँ करूंगा। अब यहां पर मेरे को लगाना है सन, तो सेम प्रोसेस लाइट, लाइट के अंदर बीरे, बीरे में बीरे सन, वीरे आपको इधर से ही लगा, उधर से ला सकते हो, बट आपको शेडो दिखाना है तो मैं क्या करता हूं, कैमरा इधर से लगा रखा है ना, मैं इधर से सन लगा। अब आपको एनवायरमेंट ऑन नहीं करना है, एनवायरमेंट नो ही रखना है, नहीं तो ये आपको वीरे का स्काई दे देगा, ब्लू स्काई हो जाएगा वीरे का, एनवायरमेंट हमको नहीं लगाना है। अब आपको क्या करना है कि ऊपर लेना और वैसे हाँ इसको सिलेक्ट करा हुआ, ये मॉडिफिकेशन में जाओगे ना, इसकी जो साइज होती है ये तो होता है साइज मल्टीप्लाई, इसको तो मैं कर दूंगा यहां पर 8, और इसकी जो इंटेंसिटी मल्टीप्लाई ये मैं करूंगा 0.5, बहुत कम 0.5 करना है। अब आपको इस ऑब्जेक्ट को, क्यों सन तो ऊपर से लगता है तो इसको ऊपर करना पड़ेगा, डब्ल्यू प्रेस करो, यहाँ सिर्फ यही हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कैमराज करा हुआ है, यहाँ पे लाइट में जा करके अब इसको हम ऊपर ले सकते, ये हो गया। इसी तरीके थोड़ा सन भी ऊपर ले सकते हैं, सन का इफेक्ट भी ऊपर लेना मेरे को, ये ठीक इसको आप और भी ऊपर ले सकते। अब मैं इसका रेंडर निकालता हूं, अभी हमारा कुछ भी वो जो बोलते हैं ना कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कोई लाइटिंग वगैरह कुछ भी नहीं, लाइटिंग इफेक्ट बढ़ा सकते हैं, मेटल वगैरह भी यूज नहीं करा हमने, अब इसके अंदर एच प्रेस करते हो, ये हिस्ट्री दिखाते हैं हम, तो ये इसकी हिस्ट्री है, अभी ये चल रहा है, रेडी अब देखो कि मैं इसमें है ना इसका रेंडर भी मैं इंटरेक्टिव ही रखूंगा, ये अब इसको अपवर्ड करके इंटरेक्टिव रेंडर ऑन किया, अब मैं लाइट को सेलेक्ट करना यहां से, और यहां से इसको इंटेंसिटी मल्टीप्लाई को बढ़ाओ, अब लाइट इफेक्ट बढ़ाओगे तो इमेज में भी क्लियरिटी दिखे, टाइम लेगा अभी ये, फिर रेंडर में ये ऐसा दिख रहा है, फाइनल रेंडर लगोगे ना आप यहाँ पे इसको बंद करके, जो मेन रेंडर होता है उसमें टाइम ले, इसका मल्टीप्लायर आप कम रखा तो आप 8 तक कर सकते हो, 0.8। अब आपको क्या करना है कि
कि वापस F9 दबाना है ग्राइंडर के लिए। ये चीज हम एक्सपोजर यहां से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, यहां से भी ऑप्शन आता है एक्सपोजर, तो अभी नहीं करना है यहाँ पे, तो और इसको क्लोज करते हैं। अब इसके ऊपर हम मटेरियल अप्लाई कर, इसको तो रहना देते हैं, पर ये व्यू चेंज नहीं करना, कुछ कुछ भी चाहे। लाइट वगैरह यहाँ से आप ऑल ऑब्जेक्ट कर दो, इसको पर्सपेक्टिव भी बढ़ा दो, क्या करना है आपको, अब F3 दबाएंगे शेड लाने के लिए, और आपको क्या करना है, एक ग्रुप बना हुआ है, इसको आप पहले अनग्रुप करो, UNG लगा दो अनग्रुप, आपको करना है मटेरियल ब्राउजर के लिए। एम दबाते हैं, एम आ गया। इसके अंदर यहां से वीरे MTL, और इसमें हम डिफ्यूज में ऐड करेंगे, हम जनरल जनरल के अंदर बिट में, मटेरियल जनरल ठीक है, जनरल में जाके जनरल में बिट मैप लेना, डिफ्यूज जनरल जनरल में बिट मैप, अब जहां पर आपका मैक्स की मटेरियल लाइब्रेरी आपके पास हो, मैक्स का मटेरियल वगैरह आपके पास हो, तो अब मैं इसके अंदर क्या जाऊंगा, इसके अंदर जाऊंगा लीरिया, मेरे पास लीरिया है और फोटोज है, ये इमेज यूज करूंगा मैं, ये वाला ये इमेज यहां रख दी। अब आपको किस किस पे ये आपको मटेरियल अप्लाई करना है, इस वाले पे करना है, इस वाले पे भी करना है, कंट्रोल कर दीजिए, और इस पे जा करके सेलेक्ट करके राइट क्लिक असाइन टू सिलेक्शन, वो मटेरियल वहां पे लग गया है। बट अभी जो मटेरियल लगा है ना, ये बहुत बड़ा लगा, या तो इसकी स्केलिंग हम कहां से चेंज करेंगे, मटेरियल से, अगर उससे नहीं करना है तो आपको इसके ऊपर यूज कर लेंगे मॉडिफाई के अंदर जाके, यूवी डब्ल्यू मैप, यूवी डब्ल्यू मैप एक मॉडिफाई लगता है, ठीक है, यूवी डब्ल्यू मैप, यहाँ पे स्ट्रिंग और बॉक्स, पहले स्ट्रिंग करोगे तो ये दिखेगा, बॉक्स करोगे तो वापस स्क्वेयर हो जाएगा, अब यहां से मैं मटेरियल की साइज चेंज कर रहा हूं, तो यहां पर मैं इसकी लेंथ कर देता हूँ, इस मटेरियल को अप्रोक्सीमेट 3 फीट मानता हूं, 3 फीट ऐसे, 3 फीट ही ऐसे, और 3 फीट ही इसकी हाइट, ये लग गया इस तरीके से। इसको थोड़ा सा यहां से एडजस्ट करना है, तो आपको यहां पर ये तो चीज नहीं है, इसको वापस कंट्रोल करो, ये वाली चीज, इस वाले को आपको नीचे लेना पड़ेगा यार, ये टाइल के अंदर आता है, ठीक है। अब मैं जाता हूं कैमरा व्यू में, ये देखो
F9 दबा के लो, ब्रेन रिस्टार्ट होगा ना जब। तो इस सेटिंग और चेंज करेंगे, टेंडर निकालेंगे तो अभी फाइनल रेंडर नहीं निकाले, स्टार्टिंग करिए। फाइनल रेंडर में बहुत कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें ट्राई करना है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करें। मेरे को वीरे का वो सेटअप अगर है तो उसका